हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पाई एकेडमी। आज के लेक्चर में हम करेंगे सब ग्रुप की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। लेट जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड एच बी ए सब सेट ऑफ जी सच दैट एच इज ऑल्सो ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन एच इज कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए सब ग्रुप की। जी क्या दे रखा है, कोई भी ग्रुप दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड एच बी सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, सबसेट है जी का। सच दैट एच इज ऑल्सो ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि एच कोई सबसेट दे रखा है जी का। अगर वो सेम बाइनरी ऑपरेशन अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या है, ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, सब ग्रुप। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि जी आपके पास ये दे रखा है, ग्रुप है वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। हमें प्रूव करना है कि वन माइनस वन एच जो है क्या है, वन माइनस वन जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा कि एच जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर कर चुके हैं, देखिए क्लोजर में ए बी अगर दो एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए इंटू बी भी कहां से आना चाहिए, एच से आना चाहिए। वन और माइनस वन एच से बिलोंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कहां से आएंगे, एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या रहेगी, वन, तो वन भी ग्रुप से बिलोंग एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट फिर फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अपने पास इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, ए बी अगर जी से बिलोंग कर रहा है, देन ए की मल्टीप्लाई अगर बी से करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, वन कहां से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है ना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वन का इनवर्स चेक करना है। आइडेंटिटी है वन, तो आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होती है। फिर हम चेक करेंगे माइनस वन के लिए, तो माइनस वन की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि वन आ जाए, तो माइनस वन की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस वन के साथ। ठीक है, तो माइनस वन का भी इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एच जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यानी कि एच जी का सब ग्रुप कब होगा, अगर एच सबसे पहले तो सबसेट होना चाहिए जी का, सबसेट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि सेम अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होना चाहिए, ग्रुप। तो एच भी ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एच क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी जो है वो दे रखा है आपके पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मोडुलो सिक्स ग्रुप है। हमें ये प्रूव करना है कि H इज इक्वल टू जीरो टू फोर सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, तो H जो है वो G का सब ग्रुप कब होगा, अगर H भी अंडर एडिशन मोडुलो सिक्स क्या आ जाए, ग्रुप, यानी कि अंडर एडिशन मोडुलो सिक्स। अगर H
ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है तो सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, क्लोजर। क्लोजर के लिए चेक करेंगे, ए बी अगर एच से बिलोंग करता है तो ए एडिशन मोड्यूलो 6, बी भी कहां से होना चाहिए, एच से। कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं इसकी, क्या है 0 2 4, ऑपरेशन है एडिशन मोड्यूलो 6, 0 2 4 6। ठीक है, तो 0 + 0 0, 0 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0। नेक्स्ट फिर 0 + 2 2, 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट 0 + 4 4, 4 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 4 ही। नेक्स्ट क्या है 2 + 4 6, और 6 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 6, 6 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 + 4 8, और 8 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल के सभी एलिमेंट्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं, H से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्लोजर क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। क्लोजर का यही है ना, ए और बी दो एलिमेंट आपने एच से ले लिए, देन अगर ए और बी को हम ऑपरेट करें तो वो भी कहां से आना चाहिए, एच से ही आना चाहिए। नेक्स्ट फिर क्या थी अपने पास प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए देखिए ए बी सी अगर कहां से बिलोंग करते हैं एच से, देन ए एडिशन मोड्यूलो 6, बी एडिशन मोड्यूलो 6, सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ए एडिशन मोड्यूलो 6, बी एडिशन मोड्यूलो 6, सी। ठीक है, यही होना चाहिए। तो देखिए ए एडिशन मोड्यूलो बी, तीन एलिमेंट ले लीजिए 0 2 4, तो 0 एडिशन मोड्यूलो 6 2, एडिशन मोड्यूलो 6 4 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0 एडिशन मोड्यूलो 6, 2 एडिशन मोड्यूलो 6 4, ये प्रूव करना है। तो 0 + 2 2, 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2 ही रहेगा, एडिशन मोड्यूलो 6 4। पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे, 0 आपका एज इट इज है एडिशन मोड्यूलो 6, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और 6 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, 6 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 4 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0, यानी कि एसोसिएटिव क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या रहेगी अंडर एडिशन 0, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चेक करते थे स्टूडेंट्स, ए बी अगर एच से बिलोंग कर रहा है देन ए एडिशन मोड्यूलो 6, बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। 0 का इनवर्स क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अगर हम 2 का इनवर्स चेक कर रहे हैं तो इनवर्स का मतलब यानी 2 में हम क्या ऐड करें कि 6 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए। 2 0 कब आ रहा है, जब हम 4 से ऑपरेट कर रहे हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का चेक करेंगे, 4 को किसके साथ ऑपरेट करने पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है 4 जब हम 2 से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 का इनवर्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो H जो है क्या है, H में एलिमेंट्स 0 2 4 अंडर एडिशन मोड्यूलो 6 ग्रुप है, और H क्या है G का सबसेट दे रखा है। ठीक है, तो H जो है वो G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ये डेफिनेशन है ना सब ग्रुप की, कि G आपके पास कोई भी ग्रुप दे रखा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, H क्या है, सबसेट है G का। ठीक है, तो H जो है वो सब ग्रुप कब होगा, अगर H क्या आ जाए अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार ग्रुप हो तो हम H को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए और एग्जाम्पल सब ग्रुप के। जैसे कि ग्रुप दे रखा है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है ना, पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। हमें ये प्रूव करना है कि 2z जो है वो क्या होगा, g का सब ग्रुप होगा। ठीक है,
2z जी का सब ग्रुप होगा, यानी हमें क्या प्रूव करना है कि 2z अंडर एडिशन हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, यही प्रूव करना है। तो देखिए इन जेड 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यही एलिमेंट्स होते हैं ना जेड में, ठीक है। तो 2z में क्या आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, जब 1 से कर रहे हैं तो 2, 4, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, अप टू इंफिनिटी, इधर नेगेटिव -2, -4, -6 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये है, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, h। तो देखो h जो है वो g का सबसेट दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होना चाहिए। तो सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करेंगे कि h अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या होना चाहिए, ग्रुप, h को अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव करना है। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजर इवन इंटीजर्स दे रखे हैं, अगर ऐड करेंगे तो अगेन क्या आएगा, इवन इंटीजर्स ही आएगा, तो वो 2z से बिलोंग करेगा, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी 0, ठीक है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट प्रॉपर्टी थी फिर अपने पास इनवर्स, तो इनवर्स के लिए 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, 4 का इनवर्स क्या होगा, -4, 6 का इनवर्स क्या होगा, -6, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो h जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है, ठीक है, और h सब ग्रुप दे रखा है g का, तो h जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा g का, ठीक है।